स्लेव नो मास्टर। ये पोएम भाई वीर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। देयर वॉज अ मैन एंटर द मार्केट प्लेस। एक आदमी बाजार में एंटर करता है। दीज वर्ड्स वर हंग अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन के आसपास एक कुछ वर्ड्स लटकाए हुए थे, मतलब एक फट्टी लगाई हुई थी, नेक में कुछ टांगा हुआ था उसकी, और फट्टी पे कुछ लिखा था। आई एम अ स्लेव हु विल बिड फॉर मी। वो कहता है कि मैं एक सेवक हूँ, एक गुलाम हूँ, कौन मेरे लिए बोली लगाएगा। बेडी यानी बोली लगाना, जो सबसे ऊंचे दाम देगा मैं उसका नौकर बन जाऊँगा। डू यू नॉट स्पाई हिज सीक्रेट, समवन सेड। तो जो उसको देख रहे थे उनमें से एक ने कहा कि क्या इसके अंदर का जो सीक्रेट है तुम्हें वो दिख रहा है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि इसके अंदर जो गुण छुपा हुआ है वो क्या है। ही श्योरली इज़ नो स्लेव, वो सच में एक असल में एक गुलाम नहीं है। हुज सोल सबमिट्स टू सच ह्यूमिलिटी, जिसकी आत्मा इतनी नम्रता से झुकी हुई है सबके सामने, झुकने को तैयार है, वो एक स्लेव नहीं हो सकता। क्योंकि हमें अपने मन के ऊपर काबू पाना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी के गुलाम तभी बन सकते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा निम्रता होगी, विनम्रता चाहिए होती है, तो वो हर एक के पास नहीं होती। वो उसी के पास होगी जिसका अपने मन के ऊपर पूरा काबू है, और वो सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। इसलिए इसमें ये चीज़ बताई गई है पोइम में। इन ट्रूथ दिस स्लेव इज़ मास्टर ऑफ अस ऑल। असल में ये जो गुलाम अपने आप को बोल रहा है, ये हम सब का मालिक है। तो बस इसमें भाई वीर सिंह जी ने यही बताया हुआ है कि जैसे आपने सुना होगा, मन जीते जग जीत, वही वाली बात इसमें बताई है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पूरे जग को जीत लिया। वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में ऐसा आदमी जो होता है वो तरक्की ज़रूर करता है, सबके मन में अपनी जगह बना लेता है, और उसके सभी काम बनने लग जाते हैं, और एक महान इंसान के रूप में वो विख्यात हो जाता है अपनी ज़िंदगी में।